सब लोग, ये वो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, अपना सब कुछ बेच कर, सब कुछ बर्बाद कर कर यहाँ लास्ट में आते हैं। बहुत मजबूर लोग होते हैं, जब उनकी कहानी सुनता हूँ ना तो बहुत रोना आता है मुझे। क्या नाम है आपका? रीना देवी। है जी? रीना देवी। लेकिन इनका नाम है रीना देवी। कहाँ से आते हैं? बिहार से हूँ सर। बिहार से जी। अच्छा, तो क्या परेशानी है? छाती एक पूरे कट रहा है, कैंसर हो गया तो छाती पे जी। और पैसे नहीं पूर रहा है, इलाज के लिए लिख देता है मैडम तो पैसा नहीं होता है। तो कैसे कैसे कर सर, उसी में जो दवाई हो वही खा के रहती, और वहाँ पे बच्चा भूखे रहते हैं। आपके आपके हस्बैंड तो ये जाते हैं चौक पे, कभी काम लग जाते हैं कभी नहीं लगते, तो घूर के आते हैं, पैदल आते हैं। सीमा शालीमार गार्डन से कमरा ले रखा, मतलब करीबन 5-6 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आते हैं, आते हैं। किराया नहीं होता? नहीं होते सर, बहुत मजबूर से। देखिए क्या कह रही है मैं, ये हमारी बहन कह रही है कि जो इनके हस्बैंड है, जब इनका अस्पताल आते हैं करीबन 6-7 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। ये इनका बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। प्रिंस, कब से बीमार आपकी मम्मी? साल हो गए। देखिए लास्ट मंडे में, आप यकीन करेंगे, मैंने जब अस्पताल में रेंडमली मदद करता हूँ तो लास्ट मंडे में मैंने इनको सिर्फ 500 रुपये दिए थे। अब मैंने पूछा बेटा 500 रुपये दिए थे उन्होंने कुछ किया? तो इस बच्चे ने क्या बताया, क्या 500 का क्या किया बेटा? 300 का मैंने मम्मी का दवाई आना, 200 का मैंने राशन आना। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन 500 में से 300 दवाई में खर्च कर दिया और 200 रुपये का आटा भरा है। कितने दिन से बीमारी है आपको ये? ये 1.5 साल से सर हो गया, सब कुछ बर्बाद कर को जब यहाँ आई हूँ तो सर भर्ती नहीं ले रहा था, मेरे मजबूरी देख कर तब भर्ती ले लिया कि उतने दूर से आए हो, निराश मत हो, जो तहाँ तक होगा वहाँ तक मैं करूँ। ये डॉक्टर जो है बाहर की दवाई लिखते हैं तो कैसे करते हैं? नहीं जानती हूँ, पर हाथ जोड़ लेती हूँ तो सर को जो रहता है उसमें वे दे देता है। और देखिए किस तरह के लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को कैसे कैसे काट रहे हैं। ये मत देखिए कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, सिर्फ ये देखिए कि आप ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि आप ऐसे लोगों की मदद किया करो जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। देखिए ये बेटा है इनका और ये इनकी माँ है, और ये एक नहीं है, इन जैसे बहुत लोग हैं। इन जैसे देखिए एक वो हमारी बहन बेटी है, ये सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो सब लोग अपना सब कुछ बेच के, सब कुछ ख़त्म करके यहाँ पे आते हैं। मैं हर मंडे में यहाँ आता हूँ और जब मैं देखता हूँ उनकी मजबूरियाँ तो बड़ा ख़राब लगता है। तो अभी कितना पैसा है जेब में? एक भी नहीं है बाबूजी, ने मेरा बेटा के एक भी नहीं है, सुबह आया है पैदल आया है, एक भी रुपया नहीं। अब ये देखिए जिस इंसान के पास एक रुपया ना हो, आप उनकी 100 रुपये से अगर मदद कर दें तो उन्हें ये लगेगा कि पता नहीं क्या मिल गया। घबराना मत, ठीक है ना, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है बाबूजी। बाबूजी आप लोग क्या भरोसे पर आई हूँ तो आप लोग ठीक करा देना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बाप काम करने वाला है नहीं, जाते हैं घर को आ जाते हैं नहीं है, गली के लोग सब बच्चों को भी खिला रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हमसे जितनी मदद हुई हमने इनकी मदद की, और ऐसे एक नहीं है, एक होता तो ज़्यादा मदद करते, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा जब जिस थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो सबका हो जाएगा। लीजिए ओढ़ लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए ना, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का मदद की जाएगी इंशाल्लाह सभी लोगों की।